हरियाणा में बीजेपी की बराबरी करने के बाद कांग्रेस बहुत बड़े बदलाव कर रही है और इस संगठनात्मक बदलाव करने के बाद दीपेंद्र हुड्डा के पास बड़ी जिम्मेदारियां आ गई है। अब इन सब को देखते हुए राजस्थान में भी संगठनात्मक बदलाव की तैयारी की जा रही है, ऐसी खबर राजनीतिक गलियारों से लेकर आम चर्चाओं तक है। तो क्या राजस्थान में भी कमान अब मिलने वाली है पायलट को, और वो संगठनात्मक बदलाव किस तरीके से कांग्रेस के रुख बदल देगा, समीकरण बदल देगा, सब कुछ आपको बताएंगे इस डिस्कशन में डिटेल में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया है संवाद भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से हरियाणा में अब 5 सीटें बीजेपी के पास रही लोकसभा की और 5 कांग्रेस में रही, और इससे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कांग्रेस में, और अब जाकर एक संगठनात्मक बदलाव देखने को मिला। उदय भान ने सौंप दी है पूरी जिम्मेदारी दीपेंद्र हुड्डा को। इन सारे बदलावों को देखते हुए उम्मीद लगाई जा रही है कि राजस्थान में भी अब बहुत कुछ बदलने वाला है और पायलट को कांग्रेस की कमान मिलने वाली है, तो इस बात में आप कितनी सच्चाई देखते हैं? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस में अब एक बदलाव की बहार जो है वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी है, और युवा पीढ़ी को जो लोकप्रिय है उन लोगों को कहीं ना कहीं कमान देने की बहार शुरू हो चुकी है। और जहाँ तक आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमेशा से ही कहीं ना कहीं कांग्रेस की हरियाणा की राजनीति में एक सेंटर पॉइंट रहे हैं, एक लोकप्रिय शख्स रहे हैं। लोकप्रिय शख्स होने के साथ साथ वो युवा भी है, और यही अभी कांग्रेस का फोकस पॉइंट है। और अगर उसी जॉनर का या उससे भी ज्यादा इन्फेक्शियस पर्सनालिटी या लोकप्रिय पर्सनालिटी को आप देखो, तो वो राजस्थान में एकमात्र सचिन पायलट ही है। सचिन पायलट को भले ही राजस्थान के संगठन में अभी कोई पर से पद नहीं दिया हुआ, लेकिन वो बिना पद के भी बहुत कुछ कर रहे हैं, और वो बिना मुकुट के राजा की तरह है कांग्रेस के। आज भी उन्हीं के कहने पर टिकट्स दिए जा रहे हैं, उन्हीं के लोगों को टिकट्स दिए जा गए लोकसभा चुनाव में अगर हम देखें तो, और उन्होंने किस तरह से प्रचार करना है वो सब खुद ही डिसाइड किया। उसी वजह से गोविंद सिंह डोटासरा को वाहवाही मिल रही है कि उनके पीसीसी चीफ रहते हुए ये चेंज आया। लेकिन आप जो भी पूरी तरह से समझ रहा है इस सिनेरियो को, वो जानता है कि सब कुछ किया हुआ सचिन पायलट का ही है, बस नाम नहीं मिला था। और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस वो गलती नहीं करेगी जो पहले की थी, इसीलिए सम्मान भी अब देना कांग्रेस शुरू करेगी। ऑलरेडी नेशनल लेवल पर सचिन पायलट को संगठन में कई तरह का सम्मान मिला है, लेकिन अब राजस्थान में भी देने की बारी आ गई है, क्योंकि जानते हैं राहुल गांधी भी, जिनके हाथ में अब कई सारी पावर है, कि सचिन पायलट अगर राजस्थान की राजनीति के केंद्र में रहेंगे, तो अगर अभी बिना केंद्र में रहे हुए भी इतनी सीटें आई है, तो पद के साथ जब केंद्र में रहेंगे राजस्थान की राजनीति की, तो सीटें और बढ़ेगी और इसी तरह से कांग्रेस ग्रो करेगी। और कहीं ना कहीं ये मैसेज पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में जाएगा कि आखिरकार सचिन पायलट को जो सम्मान मिलना था वो मिल गया। जब ये मैसेज जाएगा तो कार्यकर्ता पूरे भारत के जो कांग्रेस के हैं उनमें एक नई ऊर्जा आएगी कांग्रेस के लिए। न सिर्फ ये कदम राजस्थान के अंदर बल्कि पूरे भारत में बहुत बेहतरीन रहेगा। और उपचुनावों से पहले अगर ये चेंज कर लेते हैं, तो उपचुनावों का रिजल्ट पहले से ही ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के काफी पक्ष में होगा, वो और ज्यादा कंफर्म और पक्का हो जाएगा। जितने आप अगर उपचुनावों को अभी तक देखेंगे जो हुए हैं तमाम सारे कोनों में भारत के, वहां के जो रिजल्ट्स हैं वो वाकई में बीजेपी के लिए चौंकाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो गया है कि जनता एक बहुत बड़ा चेंज अब चाह रही है। उपचुनाव में भी सिर्फ 2 सीटें ले पाई बीजेपी, वो भी मात्र कुछ वोटों के अंतर से। और ये सोचने वाली बात है कि जिस तरह से आपने कहा कि उपचुनावों से पहले अगर ये संगठनात्मक बदलाव अगर कांग्रेस करती है, तो पहले से जीती हुई कांग्रेस की जीत और ज्यादा सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से राजस्थान की परिपाटी चलती है, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, आने वाले चुनाव जो आगे आने वाले चुनाव है राजस्थान में, उन विधानसभा चुनावों की अगर हम चर्चा करें, तो उसको देखते हुए अभी से किया गया ये बदलाव क्या उस जीत को भी सुनिश्चित कर देगा? देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ कि पिछली गलतियों को कांग्रेस जब ठीक कर रही है,
उन्होंने सचिन पायलट को सम्मान देने की वो गलती तो ठीक की ही जो पहले नहीं दिया था, और नेशनल लेवल पे सम्मान दिया। अब अगर राजस्थान में भी सम्मान दे देती है तो इस बात पे स्टैंप लग जाएगा कि हाँ वो अपनी पुरानी गलतियां ठीक कर रही है, और हरियाणा में भी उन्होंने वही किया जी। उसी तर्ज में उसी क्रम में अगर वो विधानसभा चुनाव में भी जो आने वाले हैं ऐसे ही बदलाव करके चेंजेस करेगी तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और वो बदलाव यही होगा कि आपने केवल राजस्थान को अपने रूल से अगेंस्ट रखा था, नहीं तो हमेशा कांग्रेस में जो पीसीसी चीफ होता है वही चीफ मिनिस्टर बन रहा था जी। लेकिन राजस्थान में आपने फेवरेटिज्म किया अशोक गहलोत की तरफ और उनको बना दिया चीफ मिनिस्टर। ये गलती आप वापस नहीं करेंगे, और पता है अगर ये गलती नहीं करेंगे तो फिर वो जो बॉर्डर्स पर रहने वाली लंगड़ी सरकार वाली पूरी तरह से स्थिति बनी थी पिछली बार वो नहीं बनेगी, पूरा बहुमत मिलेगा। ये सब चीजें समझ में अब लगता है कि आने लगी है, लेकिन ये बुद्धि बीच में भ्रष्ट ना हो और ऐसा ही सब कुछ चलता रहे तो फिर कांग्रेस आने वाले समय की एक कहीं ना कहीं गेम चेंजर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकती है जी। और अमूमन ये देखा जाता है कि जब आप अपने इतने कर्मठ और ईमानदार नेताओं को ताक पे रख देते हैं, उनको सम्मान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, तो जनता के मन में खटास पैदा हो जाती है। उस खटास को दूर करने का काम जितना ज्यादा कांग्रेस तेजी से कर रही है, उसी खटास को बढ़ाने का काम बीजेपी उतनी ही दुगनी तेजी से कर रही है। आपको नहीं लगता कि किरोड़ी के साथ जो भी हुआ उसका रिजल्ट लोकसभा में भी देखने को मिला, और कहीं ना कहीं उपचुनाव में भी अब ये असर दिखाई देने वाला है? देखिए, ये बात, ये चर्चाएं बहुत आम हो चुकी है राजस्थान की गलियों में कि किरोड़ी के साथ ठीक बीजेपी वैसा ही कर रही है जैसा कांग्रेस ने सचिन पायलट के साथ किया था, और अगर कोई कोर्स करेक्शन नहीं कर रही बीजेपी तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हालांकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कोर्स करेक्शन किया है जी। और कैबिनेट रिशफल किया जिसकी वजह से उन्हें बेहतर रिजल्ट्स मिले। अब ये राजस्थान में कब होगा ये वाकई सोचने वाली बात है, लेकिन उपचुनावों से पहले अगर उन्होंने नहीं किया तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ऐसी बात है नहीं कि वो बीजेपी कर नहीं सकती कोर्स करेक्शन, क्योंकि मध्य प्रदेश में उन्होंने किया है। अब राजस्थान में ये कोर्स करेक्शन हुआ तो उससे दो फायदे होंगे, पहला तो किरोड़ीलाल मीणा को सम्मान मिलेगा, और दूसरा और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कहीं ना कहीं आपने जिन जातियों को नाराज रखा है वो भी खुश हो जाएगी और बीजेपी को चौतरफा फायदा मिलेगा। और कहीं ना कहीं अभी जो देखा जा रहा है कि स्थितियां संभलने की हाल में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये जो बंटवारा हुआ विभागों का वो बहुत गलत हुआ है, इसको पूरा करेक्ट करके सही अगर कर दिया गया तो स्थितियां पलटने की दिशा में आ सकती है जी। अब जो भी होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि बीजेपी अपना कोर्स करेक्शन करके स्थितियां सुधारती है या फिर कांग्रेस मार जाएगी बाजी अपनी पूरी गलतियों को सुधार कर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपने अगर सुना है पूरा वीडियो, पूरा विश्लेषण, तो आप बताइएगा जरूर इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं आप, अपनी राय रखिएगा जरूर कॉमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोज के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। बड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस पहुंच गई, ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस का यूज करके आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपडेट हो सकती है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको दे रहा है 40 से ज्यादा वीडियो एक्टर जो करेंगे आपके सोशल मीडिया को बूस्ट, ये इन्फॉर्मेशन ना आपके जरूर काम की है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में आपके एड्स होंगे शूट, और साथ ही एक्सपर्ट एडिटर्स उन्हें करेंगे एडिट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में। 35 से ज्यादा देशों के लिए हम काम कर चुके हैं, 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए या फिर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस शो करने के लिए या फिर रील्स या फिर स्टेटस लगाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस वो सारे वीडियोस आपको बनाकर देगा इंटरनेशनल क्वालिटी के। तो आप ब्रांड बनिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ।